जी नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 3 नवंबर 2017 का राशिफल हम सबके लिए क्या कहता है, आइए इसे जानते हैं। मैं हूं दीपक कपूर। मेष राशि वालों को अपने काम को आगे बढ़ाना है तो आपको अपने अंदर एक जुनून की भावना बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह के विचार को आगे बढ़ाने से सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि जब भी कोई चीज़ अपने मन मुताबिक नहीं होती तो इंसान परेशान हो जाता है। आपके साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है जो आपको संतोष नहीं दे रहा। मिथुन राशि वालों की पैसे की ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, इसलिए आपको अपनों के लिए अब बहुत कुछ करना भी है। आपका मन घबरा रहा है कि क्या आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। कर्क राशि वालों को ऐसा लग रहा है कि कामकाज में आपके साथी सहयोगी आपका पूरा साथ नहीं दे रहे, पर इस बात को समझ लें कि अपने बलबूते पर ही बहुत कुछ करने का समय है, तभी जाकर अपने मन की घबराहट दूर हो पाएगी। सिंह राशि वालों के अगर लोगों से विचार नहीं मिलेंगे तो परेशानी होगी और उसका असर आपके निजी जीवन के रिश्तों पर भी आ सकता है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने की भी इसी वजह से ज़रूरत पड़ेगी आपको। कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, पर आप संतुष्ट नहीं। आपने अपने मन में बहुत कुछ ऐसा बना रखा है जो बहुत ज़्यादा वाजिब भी नहीं। यही वजह है कि पैसे से जुड़े फैसलों में भी गलती हो सकती है। तुला राशि वाले अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और जो कुछ कर पा रहे हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए निजी जीवन से जुड़ी बहुत सी परेशानियां हैं आपके मन में। वृश्चिक राशि वाले अगर अपने मन के भटकाव को थाम लेंगे तो आपकी कोशिशें बढ़ जाएंगी और आपकी उपलब्धियां भी बढ़ जाएंगी। इस समय आपके लिए बना हुआ ये एक जिंदगी का आसान सा फलसफा है जिसे समझना तो पड़ेगा ही। धनु राशि वाले किसी से भी कोई चुभती हुई बात बिल्कुल ना करें, वैसे भी अपने विचारों में पारदर्शिता ले आए ताकि आपका व्यवहारिक नजरिया लोगों को समझ में आए। मकर राशि वालों के मन का असंतोष बढ़ा रहेगा तो आपके फैसले गलत होते चले जाएंगे, वह ऐसे में नुकसान हो जाना स्वाभाविक सा हो जाता है, इसलिए किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से फिलहाल तो आपको बचना ही पड़ेगा। कुंभ राशि वाले लोगों से छुपाकर कोई जिंदगी का बड़ा फैसला बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से आपके ही नुकसान का अंदेशा है जिससे आपको इस समय बचना ही होगा। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और आपकी ज़रूरतें पूरी होती चली जा रही, पर आपको अपनी अच्छी भली स्थिति पर भी भरोसा नहीं हो पा रहा जैसे, इसलिए आप एक साथ बहुत कुछ सोचते चले जा रहे हैं। ये था जी आप सब का राशिफल, जिससे इस समय आपको मार्गदर्शन मिले और आपका ये जो समय है ये सुधर जाए। जो भी कमियाँ हों जिंदगी में उन्हें संवार लेना हर रोज़ ज़रूरी होता है, यही ज्योतिष का अभिप्राय है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।